ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है। उसमें दो बातें आती है, आपने जो यहाँ सीखा वो आपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे, और फिर प्रकाश का मतलब है कि उजाला सब जगह है, जहाँ प्रकाश रहेगा वो अंधकार को अपने आप दूर हो जाए। अंधकार को हमें हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रकाश को जलाने की जरूरत है। उसी प्रकार अज्ञान को हटाने की जरूरत नहीं है, अगर हम ज्ञान हासिल करते हैं तो अज्ञान अपने आप मिट जाएगा। इसीलिए आप लोगों को कैंडल दिया जा रहा है, और मैं आप लोग के सामने कुछ पढ़ने जा रही हूँ। ये प्रशस्ति पत्र है जो आप लोग को मैं दूंगी भी इस विद्यालय परिवार की ओर से है, बट कुछ लाइनें मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये विदाई बेला है, उसी की तो है ही, और दुख की है, खुशी का इसलिए है कि आप लोग आगे भविष्य में बढ़ने जा रहे हैं ना। ये बहुत ही खुशी की बात है, दुख इस बात की है कि जिसे इतने दिनों तक हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, आप लोग जिसके सानिध्य में थे उससे आप लोग पिछड़ने वाले हैं, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो मैं इस विदाई बेला में कुछ बताना चाहती हूँ। इसलिए कहते हैं कि अगर चाहते हो जीवन में मिले सफलता का सिंहासन, अगर चाहते हो कि जीवन में मिले सफलता का सिंहासन, तो मर्यादा में रहना सीखो, तो मर्यादा में रहना सीखो और करो ऊंचा चरित कर। दुख की अग्नि से काया चलता है, ये तो सभी जानते हैं, दुख की अग्नि से काया चलता है, लेकिन गुरु के आशीष से शिष्य करता है। कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ संदीपा परशुराम एवं द्रोणाचार्य, ये सभी ऋषि मुनि हमारे लिए धरती के हैं, तो इन्हीं के पावन भूमि पर शुरू से ही होते आ रहा है गुरु शिष्य से संबंध की चर्चा। तो आज इस ज्ञान रश्मि से जगत के अंधकार को दूर करते हुए आप सभी ज्ञान पुंज को स्थित करते रहे, इसलिए हम विद्यालय परिवार की ओर से कहना चाहते हैं कि जाओ सुखी रहो तुम, हमको न भूल जाना और अपनी सुवासिका को दूर रहकर भी पटाना, अपनी सुवासिका को दूर रहकर भी पटाना। भाव विवल जब मुख कंठ से हम ईश्वर से तुम्हारे, भाव विवल जब मुख से हम ईश्वर से तुम्हारे, सुमन यात्रा की कल्पना करते हैं, सुदीर्घ जीवन मंगलमय यात्रा की कल्पना करते हैं। और इसी के साथ नाइन्थ की दस को कैंडल जला करके प्रकाश की ओर ले गए। अब कहता है कि टेंथ क्लास की दस जो है वो इस प्रकाश के साथ क्या करती है, चलिए दस इस प्रकाश के साथ क्या करती है। धन्यवाद। Thank you.